हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम जानेंगे फिगर की काउंटिंग करना, जिस तरह से किसी फिगर में स्क्वायर या रेक्टेंगल फिट होते हैं, तो हम स्क्वायर और रेक्टेंगल को समझेंगे। बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने एक फिगर बनाई हुई है। इस फिगर में आपको ना सबसे पहले क्या जानना होता है कि रो कौन सी होती है और कॉलम कौन सा होता है, ये आप अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए, ये जो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, ये रो होती है, इट इज रो। एंड इस वर्टिकल फॉर्म में जो हम बनाते हैं अप टू डाउन, वो कॉलम होता है। एंड लेफ्ट टू राइट रो होती है, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा, रो और कॉलम, ठीक। अब देखिए, यहां पर मैंने एक ही फिगर बनाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर देखिए वर्टिकल यानी कि अप टू डाउन कितनी है, 1 2 3, 1 2 3, अप टू डाउन रो कॉलम, कॉलम 3। अब रो देखिएगा, 1 2, मतलब ये 1 2, ये पूरा ही ब्लॉक होता है, तो यानी कि ये 2 है, रो 2। अब इसमें देखिए आपको क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर में ऐसा करते हैं कि हम नोट कर लेते हैं कि अब चाहे आप आरसी का ऑर्डर रखिए यानी कि रो बाय कॉलम का, या आप कॉलम बाय रो का ऑर्डर रखिए सी आर। होता यह है कि उसके मैक्सिम दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 × 2, और फिर डिक्रीज करती -1 करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाइए, यानी कि 3 − 1 2 × 2 − 1 1, जहां पर 1 आ जाए वहां पर लास्ट कर दीजिए। तो इट इज 6, इट इज 2, दैट इज 8। तो हियर द नंबर ऑफ स्क्वायर इज 8। डिड यू अंडरस्टैंड, वी आर कैलकुलेटिंग। देखिए, यहां पर आपने क्या देखा कि तीन कॉलम है, 1 2 3। तो आप बहुत अच्छे से समझना, दोबारा, तीन कॉलम, दो रोज, 1 2 2 रोज, रो की कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन तब तक इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड करते रहिए जब तक कि 1 ना आ जाए। जैसे 3 − 1 करेंगे हम तो 2 आया, फिर इसके रो में से भी 1 लेस करना है तो 2 − 1 1 आ गया, 1 आ गया। चाहे वो रो में 1 आ जाए या कॉलम में 1 आ जाए, वहां तक रोक देना है। 3 × 2 = 6 प्लस 2 × 1 = 2, तो 6 + 2 = 8। यानी कि इन दिस फिगर देयर आर 8 स्क्वायर्स, इट इज क्लियर। नाउ अगेन यू चेक, यहां पर कितने, 1 2 3 4, 4 कॉलम, क्लियर, 1 2 3, 3 रोज, तो 4 × 3, ये बैठ रहा है ना सिस्टम। तो अब कैसे मैंने आपको बताया, देखिए 4 × 3 प्लस 1 1 लेस करके आगे मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 2, फिर 1 1 लेस करके आगे मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 1, 1 आ गया। देखिए 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, तो 8 × 2 = 20, देयर आर 20 स्क्वायर्स, इज इट ऑल्सो क्लियर। अब यहां पर कितना है, 1 2 3 4 5, क्लियर, देयर आर 4 कॉलम्स, 1 2 3 थियर रोज, तो 5 × 3 कैसे ऐड करना है, प्लस 4 × 2 प्लस 3 × 1, तो 5 × 3 = 15, 4 × 2 = 8 प्लस 3 = 18, 8 × 3 = 11, 11 × 5 = 16 एंड 1 = 26, क्लियर है, समझ में आ रहा है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, I would like to introduce.
तो इस तरह से आप स्क्वायर निकालना सीख गए। कहां पर नोट करिए, किस पॉइंट पर, जब रो और कॉलम इक्वल नहीं है, रो एंड कॉलम्स और नॉट इक्वल। यहां थ्री रो तो टू कॉलम, फोर रो थ्री कॉलम, फाइव रो थ्री कॉलम। ये कुछ केसेस इस तरह से मैंने बनाए हैं जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हैं। ये भी बहुत मजे का है, शॉर्ट से समझते हैं। देखिए कैसे, वन टू, देयर आर टू रोज, सॉरी टू कॉलम्स, वन टू, टू रोज। कुछ मत करिए, कुछ भी, सिर्फ एक पॉइंट याद रखिए, यानी कि ये टू बाई टू है, मतलब जब रो और कॉलम बराबर है तब ये करना है कि जो नंबर आया है स्क्वायर, दैट इज मतलब टू नंबर है तो टू का स्क्वायर, टू में से वन लेस कीजिए, वन का स्क्वायर। अब वन में से वन करेंगे तो जीरो आ रहा है ना, तो ऐसा मान लीजिए कि वन तक, जब जहां वन आ जाए वहां तक स्क्वायर करके एड करना है, तो इट इज फोर, इट इज वन, दैट इज फाइव। तो देयर आर फाइव स्क्वायर्स इन दिस फिगर। नाउ सी, वन टू थ्री, वन टू थ्री, थ्री का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, वन लेस कर दिया, प्लस वन में से वन, टू में से वन लेस, तो वन का स्क्वायर, नाइन फोर वन, देयर आर फोर्टीन स्क्वायर्स। अगेन वन टू थ्री फोर, ओहो, वन टू थ्री फोर, फोर का स्क्वायर, वन लेस कीजिए, फिर वन लेस कीजिए, फिर वन लेस कीजिए, सिक्सटीन नाइन फोर वन, सोलह और चार बीस, बीस 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 दस तीस, देयर आर थर्टी स्क्वायर। चुटकियों में सीख गए, अब आप प्रैक्टिस करना। अब मैं कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर्स बनाने जा रहा हूं और उन पर आप ध्यान देना। अब देखिए, ये मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर्स बनाई हुई हैं, इनको समझते हैं, ठीक है। समझना क्या यार, देखिए इस वाले ब्लॉक्स में आइए, एक इस वाले में, क्लियर, वन टू थ्री, यहां तक की बात कर रहे हैं हम। मान लीजिए ए बी सी डी वाले की, तो थ्री रो थ्री कॉलम, क्या बताया मैंने, स्क्वायर निकाल रहे हैं, थ्री रोज थ्री कॉलम, थ्री का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, अरे अभी आधे मिनट पहले तो ये बात, नाइन फोर वन फोर्टीन, यानी कि इतने में हमने फोर्टीन निकाल लिए। अब देखिए, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, चार ये बाहर भी हैं, तो चार और एड कर लो, हाउ मच, एटीन, एटीन इट इज आंसर, क्लियर, बात तेजी से समझो। यहां आ जाओ, वन टू, वन टू, पहले हम एबीसीडी के वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम लिख देते हैं पी क्यू आर एस वाला, तो एबीसीडी में कितने, टू का स्क्वायर, फिर वन में से लेस करो वन का स्क्वायर, दैट इज फाइव, ये भी तो टू बाई टू है, वन वन टू, तो ये भी फाइव, टेन, इसमें टेन स्क्वायर निकालना आ रहा है। यहाँ ये वन टू थ्री, वन टू थ्री, ओहो, थ्री का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, नाइन फोर वन, दैट इज फोर्टीन, वन टू थ्री फोर, फोर और एड कर लो, एट, क्लियर। ये बात भी समझ में आ गई, इसमें देखें, वन टू, वन टू, टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, इसमें भी कितना, वन टू वन टू फाइव, इसमें भी कितना, वन टू वन टू फाइव, फिफ्टीन, क्लियर। इस फिगर की भी बात कर लें, देखो खुद निकाल सकते हो यार, कोई जरूरत नहीं है आपको परेशान होने की। सबसे बड़े वाले की तरफ देखो, सही है, सबसे बाहर वाले फिगर पर ध्यान दो, ये वाली पर, ठीक, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, फोर का स्क्वायर, क्या बोला मैंने, फोर में से वन लेस करो, थ्री में से वन लेस करो, वन में से वन, टू में से वन, सबका स्क्वायर करके ऐड कर दो, कितना आया, जल्दी बोलो भाई, जल्दी नहीं बोल रहे आप,
बाहर वाले के पास 30 सर्किल स्क्वायर हैं, अंदर आए इसको लिख लेते हैं पी क्यू आर एल, एक एक दो, एक एक दो, दो का स्क्वायर। अब भाई ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसे, चारों सेम है। तो देखो टू का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, चार प्लस एक दैट इज फाइव, और ये फाइव चार बार है, 20 ये हो गई। तो दिस 20 एंड दिस 30 हाउ मच, 50। क्लियर? ये दो डिफरेंट फिगर हैं, इस फिगर पर ध्यान दीजिए आप। ये फिगर में वन रो, ये दस आते हैं, वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, तो तीन तो कॉलम हुए इसमें, वन टू थ्री फोर, चार रो हो गई। अब क्या करना है, डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल होता है तो क्या करते हैं, उसमें भी वन लेस करते हैं लेकिन स्क्वायर करते जाते हैं, और जब डिफरेंट होता है तो उसमें भी वन लेस करते हैं लेकिन मल्टीप्लाई करते जाते हैं और ऐड करते हैं। थ्री फोर, थ्री इंटू फोर प्लस टू इंटू थ्री प्लस वन इंटू टू, वन आ गया, यानी कि ट्वेल्व प्लस सिक्स प्लस टू दैट इज ट्वेंटी, ट्वेंटी हो गए। अब कुछ और भी इसमें छिपा हुआ है, और से देखना आप। देखिए एक सर्किल रेक्टेंगल में सर ये वाला स्क्वायर छिपा हुआ, ये फिगर एक्यूरेट नहीं है लेकिन देखेंगे आप वहां पर आपको प्रिंटेड मिलेगी तो वो एक्यूरेट होगा। तो एक तो ये हो गई, दूसरा आप देखेंगे ये है, तीसरा आप देखेंगे तो ये है। तो इस तरह से 23 स्क्वायर्स हैं इस फिगर में, देयर आर 23 स्क्वायर्स इन दिस फिगर। नाउ लुक एट दिस फिगर, वन टू देन टू का स्क्वायर, अभी स्क्वायर कैसे लगा दिया मैंने, वन टू, टू इंटू टू, टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर दैट इज फाइव प्लस वन, सॉरी फोर प्लस वन दैट इज फाइव, पांच तो यहां हो गई। सेम केस टू का स्क्वायर, तो पांच ही ये हो गए, इट इज टेन, वन ये है और दूसरा ये है, दो और जोड़ दो, देर आर ट्वेल्व। ठीक है, तो इस फिगर में 12 थे। आगे देखते हैं, अब हम इस फिगर में देखते हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स फिगर है। देखिए बिल्कुल सोचिए आप, पहले इसमें काम कर लीजिए, ए बी सी डी में वन टू थ्री, थ्री तो रो हो गई, ठीक, वन टू, टू कॉलम हो गए, तो टू इंटू वन सिक्स प्लस टू यानी कि एट तो हो गई ये। अब इसके अलावा आपके पास ये बचा वन टू थ्री फोर, अब ये बचे ना क्योंकि अभी तो हमने यहां का हिसाब लगाया था, तो फोर ये हो गए यानी कि ट्वेल्व। अब कहीं और भी है, कहीं और का मतलब हमें कुछ ऐसे भी समझ में आ सकता है कि ये और ये और ये, एक तो ये मिल रहा है, एक कहीं और होगा। देखिए अगर यहाँ पर मान लो कि ये 13 है, ठीक है, लेकिन अगर उसने कुछ क्रॉस लाइंस डाल दी होती, फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ क्रॉस लाइन, देखिए ये डायगोनल लाइन मैंने बना दी, ये यहाँ पर अगर उसने इस तरह से लाइंस डाली होती तो आपको एक और इंक्लूड कर लेना था, वरना आपका आंसर पहले आ चुका था 13, तो आप कितना हो गए, 14 हो गए। देखा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और यहाँ एग्जाम में आई हुई भी है। देखिए आप ध्यान रखिए, मैं धीरे धीरे पूरा आपको रीजनिंग और मैथ जितना भी कंपटीशन का होता है वो सब देने वाला हूँ। अभी तो मैंने इंटर का मैथ भी शुरू नहीं किया है लेकिन कर रहा हूँ, तो जितना भी रेलवे एसएससी पीपीओ गवर्नमेंट कंपटीशंस के जितना भी है, रीजनिंग और मैथ एंड इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं इसी चैनल से। प्लस अब हमारे उधर आते हैं कुछ प्रोफेशनल में, टेक्निकल में, जो हमारे आईआईटी और नीट वाले हैं उनको भी उस लेवल पर फिजिक्स और मैथ मिलने जा रहा है, साथ में इंटर का और जितने भी बोर्ड हैं उन सभी बोर्ड की फिजिक्स और मैथ मिलने वाली है, बहुत कुछ मिलेगा। इसी के साथ साथ में आपको आईटी सॉफ्टवेयर सारे मिलेंगे, जैसे प्रीमियर हुआ,
फोटोशॉप हुआ, कोरल, 3D, ऑटोकैड, फ्लैश, ड्रीम वीवर, और मतलब जितने भी हैं ये सब, MS, एक्सेल वैसे। बट यार एक अकेला इंसान, उसको डेली पढ़ाना भी है अपने और आपके लिए टाइम भी निकालना है, तो बन नहीं पा रहा ना इतना, क्योंकि फिर कई चीज़ों में मुझे काम करना है, कई फील्ड्स में काम करना है, तो इसलिए अब हर पेपर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि यार रेलवे ने क्या क्या एग्ज़ाम क्वेश्चन लिए थे, किस किस पैटर्न पे वो बना रहा है, और दूसरे अदर बोर्ड्स। अभी मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग और GK में, रीजनिंग और मैथ तो पूरा PCS लेवल पर लेकर जाएंगे, SSC लेवल को कंप्लीट पढ़ाएंगे बिल्कुल। आप ना सब्सक्राइब करके रख लो यार, फायदा ही मिलना है मेरे से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ रेक्टेंगल हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम रेक्टेंगल निकाल रहे हैं। अब यार रेक्टेंगल में ठीक है, हमारी तरफ ठंड शुरू हो चुकी है, वेलकम विंटर। चलिए देखते हैं, यह आप रेक्टेंगल निकालना है। अब ध्यान रखिए, रेक्टेंगल में भी मैंने दो केस लिए हैं, एक केस लिया है जब रो और कॉलम बराबर ना हो, और दूसरे केस मैंने लिए हैं जब रो और कॉलम बराबर। कुछ नहीं करना, फिर मैं बोल रहा हूं एक ट्रिक तो याद कर लोगे, मल्टीप्लाई करनी है रो की कॉलम से, हो गया केस खत्म। देखिए कितने कॉलम है, 1, 2, 3, तीन कॉलम है, सही है, तीनों को ऐड करेंगे। देखिए 1, 2, + 3 छह हो गए, 1, 2 ये मैं कॉलम के लिए लिख रहा हूं और ये रो के लिए, 1 + 2 कितने हो गए, 3। रो की कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, R/C 6 × 3 हाउ मच, 18। तो हियर आर 18 रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर, इज इट क्लियर, क्लियर, क्लियर। अब यहां पर आ जाए 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख दो, कॉलम के लिए लिख रहे ना, 1, 2, 3, 4 4, 3, 7, 7, 3, 10 वाओ, 1, 2, 3 ऐसे नंबर वाइज करके लिखना है। देखिए उसने जोड़ना होगा यहाँ पे नंबर्स को, 86 क्लियर। क्या करना है, ये कॉलम है और ये रो है, तो आप क्या करोगे, 10 × 6 दैट इज 60, इसके पास 60 रेक्टेंगल्स हैं। अब यार ये वाला ट्राई कर लेना, 5 × 5 का आशा दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 × 5, 5 वन से 5 तक ऐड करो, मल्टीप्लाई बताऊंगा नहीं एंड जवाब को भी यहाँ वहाँ। अच्छा ये टाइप टू, जब रो और कॉलम दोनों बराबर हों, ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4 क्या करेंगे आप, 1, 2, 3, 4 कितना गया, 4, 3, 7, 7, 3, 10 अब ये भी तो 10 ही होगा, क्यों खत्म, क्लियर। इसी तरह से इधर आ जाएं, 1, 2, 3, 4, 5 1 + 2 + 3 + 4 + 5 शायद 15 आता है, देखिए आप 5, 5, 15 1, 2, 3, 4, 5 तो ये भी 15, 15, 15 इसमें तो 225 रेक्टेंगल। क्लियर आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, अरे यार आ गई होगी यार, कक्षा 6 का ही तो बड़ी थे, रीजनिंग है बस थोड़ा सा। आगे देखते हैं, आइए सर अब दूसरी फिगर्स में आपका इस्तकबाल है, डरना मत, डर के आगे जीत है। अबे जीत सलमान खान वाली फिल्म नहीं बोल रहा मैं, जिसमें वो कहता इस चौखट पे बारात आई तो वो सबसे पहले और थी उसकी उठेगी, वो वाली नहीं जीत, सलमान खान द्वारा कही गई माउंटेन ड्यू की जीत। ठीक है यार समझते हैं,
1, 2, 3, oh, 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 it is 6, 1, 2, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, मल्टीप्लाई करो यार, 18 रेक्टेंगल, खुश हो ना। अब आगे देखें, देखिए ये बेचारा बंदा भी ऐसी है, 1, 2, 3, 1, 2, कितना आया था यहाँ पे 18, और उसने क्या करा, अबे डरा दिया, डरा, ये बना के, अब चूंकि वो क्या निकलवा रहा था हमसे, भाई वो तो रेक्टेंगल निकलवा रहा है, और ये जो शेप है ये ट्रायंगल की है, तो हम क्यों डरें, क्यों जी। आगे फिर देख लेते हैं, कुछ इस अंदाज से डरा रहा है आपके, क्लियर है, तो 1 2, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, एंड इट इज 1 इट इज 2, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3 3 इज 9, तो हम क्यों डरे इसे देख के, समझ में आ रहा है। अब यार थोड़ा सा इसे देखते हैं, 1 2 3, तो कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6। अब एक बंदा ये है, दूसरा बंदा ये है, तो कितना हो गए भाई, 1 प्लस 2 नोट कर लेंगे हम। देखिए इधर से चलिए, 1 2 3, यहां पर देखिए 1 2 3 जोड़ लिया, 1 2 3, तो फिर 6 आ गए। अभी क्या करना है, इनको जोड़ लेना है, ठीक है, तो जोड़ेंगे आप यहां पर, लेकिन ये वाला बंदा तो दो बार काउंट हो गया, ये इसके साथ भी काउंट हो गया, इसके साथ भी काउंट हो गया, तो एक बार कम कर दो ना, 11, तो इस फिगर में 11 है, ठीक। अभी आप में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बोलोगे यार यहाँ जोड़ रहा है आप और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, तो यार देखो ये बंदे चारों तरफ से फिल्ड हैं, भरे हुए हैं, ये नहीं भरे हुए हैं, ये खाली है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो इसलिए इसमें जोड़ा गया है, ठीक है ना। हाँ अगर ये इस तरह से होता ऐसे करके, तो फिर वही वाली थ्योरी लगती यार, समझ गया ना, ठीक है। अब यहाँ सोचें, 1 2 3 4, तो आप जोड़ लो, यहाँ लिख दो भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया यार, 10, तो हुआ कि नहीं। अब देखो 1 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, 1 2 यानी कि 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। अभी ये तो चक्कर रेक्टेंगल का, स्क्वायर का थोड़ी है, रेक्टेंगल तो कहीं से भी उठा लो, ये एक रेक्टेंगल ही दिख रहा है, प्लस 1 एक रेक्टेंगल यार ये भी दिख रहा मुझे, प्लस 1 कितने हो गए, 16 2 18, देयर आर 18 रेक्टेंगल दिस फिगर, ठीक है भाई। आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, और बताएंगे आगे क्या लेकर आए, आगे ना मैं कुछ बड़ा लेकर आता हूँ आपके लिए, घड़ी वाला ले आऊं, फिलहाल जुड़े रहो, सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ देने वाले। इसके लिए बस थोड़ा सा ये करिएगा कि अभी फिजिक्स और मैथ पर सही से काम किया नहीं है, उस पर भी करने जा रहा हूँ, जो आईआईटी लेवल तक करेंगे। अभी कुछ सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, उन सब्सक्राइबर्स को देख रहा हूँ कि कितने सब्सक्राइबर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा, हैवी काम करना है। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके रख लें, और मेरा मोटिवेशनल भी देखते रहें, कहाँ पर हो सकता है कि मैं आने वाले टाइम में आपको कुछ गेस भी दूँ, किस किस तरह के क्वेश्चंस के, काफ़ी कुछ है जो दिया जाएगा आप लोगों को, तो इंतज़ार करिए और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।